बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी युवक को जमानत दी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि होठों पर चुंबन करना और शरीर के अंगों को प्यार से छूना आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है। जिस युवक को कोर्ट ने जमानत दी उस पर नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। नाबालिग लड़के के पिता ने इस मामले में आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार लड़के के पिता को उनकी अलमारी में कुछ पैसे गायब मिले। पूछताछ करने पर बेटे ने पिता को बताया कि वो एक ऑनलाइन गेम ओला पार्टी खेलता है, जिसका रिचार्ज कराने वह मुंबई उपनगर की दुकान पर जाता है। एक दिन जब वो रिचार्ज कराने गया तो दुकानदार ने उसके होंठों पर किस किया और उसके गुप्तांगों को भी छुआ। इसके बाद दुकानदार पर पॉस्को अधिनियम की धाराओं और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस प्रभु देसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा, लड़के का मेडिकल टेस्ट उसके यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धाराएं हैं, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए उसे जमानत का अधिकार है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी ने प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था और उसके होंठों को चूमा था। मेरे हिसाब से ये आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है।